आप सभी को सादर सादर सेवा जोहार। मैं अधर्मी अनारे डॉक्टर जे लिंगो और आप देख रहे हैं लिंगो टीवी। आइए प्रिय दर्शकों, आज हम बात करेंगे आप लोगों के कमेंट बॉक्स के कमेंट के संबंध में। तो हम आए थे टोटम व्यवस्था में। टोटम व्यवस्था क्या है कि हमारे आदिगुरु रूपलंग पाहंदी पारी कुपाल लिंगो जी के द्वारा टोटम व्यवस्था प्रतिपादित की गई, बनाई गई। तो टोटम व्यवस्था में 750 गोत्रकों को एक पशु, एक पक्षी, एक वनस्पति, एक गढ़, एक बाना की व्यवस्था दी। तो उसी प्रकार से हम अपने वनस्पति, जंतु और पक्षी इन तीनों का संरक्षण करने की जिम्मेदारी दी। या संरक्षण करने की जिम्मेदारी क्यों दी? संरक्षण करने की जिम्मेदारी इसलिए दी क्योंकि हमें प्रकृति संतुलन बनाए रखनी है। प्रकृति की जीवन चक्र को समझते हुए उन्होंने प्रकृति संतुलन की व्यवस्था को बनाए रखने के लिए मुंजोग दर्शन का, मुंजोग व्यवस्था का प्रतिपादन किया और उसी मुंजोग व्यवस्था में यह टोटम व्यवस्था आती है। तो टोटम व्यवस्था में आज बात करेंगे ध्रुवा गोत्र की। ध्रुवा जिसे लोग ध्रुवे कहते हैं, ध्रुवे जो है अभ्रंश शब्द हैं, मूल उनका गोत्र का नाम ध्रुवा है। तो ध्रुवा जो गढ़ में पूर्वागढ़, वनस्पति में बरेली मड़ा बरगद का पेड़, जंतु में बाघ, पक्षी में मोर, यह तीनों की संरक्षण करने की जिम्मेदारी ध्रुवा गोत्र को दी गई। और उनकी बाना केसर बाना, तत्व जो है अग्नि तत्व, इस प्रकार से यह ध्रुवा गोत्र की व्यवस्था बनी है। तो ध्रुवा गोत्र में और इनके गोत्र भाई होते हैं, छीन के लेंगे अपना हक।